तो गाइस पापा भी घर आके ड्यूटी से पूजा करके उठे और पापा आते ही मम्मी तो लड़ने रहे पता नहीं। भजन कर पूजा कर, ये 7 बजे उठती है, 7 बजे मैं ड्यूटी से आ लेता हूं ना पापा, मम्मी 5 बजे उठ जाओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक नवीन डेढ़ा व्लॉग। नए व्लॉग में करते हैं स्वागत। जय माता दी, जय बाबा मोहन राम की। तो गाइज मैं अभी दुकान पर से घर आया हूँ, मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख क्योंकि फिर मुझे जाना मार्केट। पिंकी मेरे लिए बना रही है रोटी, बना दो कुछ भी बना दो चाय। हाल भी पत्ती सी लगा दो क्योंकि मेरा कोल्ड हो रहा है, तो भाई चाय बढ़ी रहेगी उसके लिए। वैसे चाय कोल्ड मतलब जुकाम हो रहा भाई, पता हो ना, तो क्योंकि चाय भी है ठीक रहे तो दूध मलगम बना देगा, तो इसलिए थोड़ी चाय बना दे। भूख लग रही है बहुत जोर की, रोटी खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस आज हमारा सारा भाईचारा जो इकट्ठा बैठ इकट्ठे बैठे हैं भूखा चल रहा, तो बैठे इसलिए कि हमारा भाई एक के नाम है एलविश यादव, बिग बॉस में गए हमारे 36 बिरादरी में से, जैसे मनवीर भाई अपने गए थे ऐसे एलविश यादव गए, इतना सपोर्ट करना सारे के सारे ने। तो भाई दिनेश भाई क्या कहोगे? भाई मैं तो ये कहूँगा अपनी 36 बिरादरी जैसे सारे भाई हैं, जैसे मनवीर सपोर्ट करो ऐसे अलविशा सपोर्ट करो, अच्छे से जिता के लाओ, अपने घर लाओ अपने भैया गेल का, और अपने भाई बताएंगे सारे। भाई ना भाई सपोर्ट करो, खुल का सपोर्ट है, मैं तेरा वोट अब की वो हुआ, मैंने वोट भी करी हूँ सर ओटीटी पर। तो भाई जितने भी अपने 36 बिरादरी है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो सारे के सारे भाई, क्योंकि भाई संदीप भाई तो अपने भाई को सपोर्ट करना हो सारे के सारे ने। भाई खुल गया, भाई खुल गया, सारे भाई जितने भी है सब सपोर्ट करा भाई अलविश भाई। ठीक है भाई, मेरा तो कह रही हूँ पहली बार कोई यूट्यूबर आया है, अरे यूट्यूबर की फैन पुलिंग आज के टाइम में बहुत ज्यादा ऊपर चल रही है, तो मेरा कह रहा भाई ये जिताओ और कुछ ना फैन पुलिंग इतनी दे दो कि भाई अपना कामयाब हो जावे। भाई अपना ही भाई अपने बीच में तो गया, 36 बिरादरी में से गया, तो आगे आज मनवीर पहले मनवीर गया, अब एलिविस गया, आगे को भगवान ना चाहे कोई और भी जा सकता, दिनेश भाई भी जा सकते, तो संदीप भाई भी जा सकते हैं। नंबर आ चुका है पर पूरी बड़ी बात है भाई, बस किस्मत टाइम ना देती तो चलो भाई टाइम पे चल जाओ तो काम मिल जाएगा। तो भाई बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, मिलते तुमसे कुछ देर में। जय बाबा। हेलो गाइस, काले जी आ गए घर, देखो ये रे सुबह तक अब थोड़ा सा चैन मिलो इन्हें, सुबह तक कभी ड्यूटी कभी मार्केट कभी गाड़ी ठीक करवाना कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हमारी तो जिंदगी खराब है, हमें तो थोड़ी बहुत टाइम देते ना मम्मी, हम तो ये पूछते ना है कि पिंकी तू ठीक है, रोटी खाइए नो खाइए, अब बुढ़ापे में क्या पूछेगा, अब तो जब बालक हो जाना तो घर गृहस्थ में पड़ जा। सुनो फिर नो बुढ़ापा तो आप भी हो रहा, पर आके पूछे है ना आप तक कि मम्मी रोटी खा ली, मम्मी ठीक है पूछे जरूरी, आगे जरूर पूछे ना आप जो कुछ भी हो पर पूछेंगे जरूर, तो ऐसी अपनी बीवी तो पूछनी चाहिए और पिंकी क्या हाल चाल है मतलब ऐसा आवे हवा की तरह आवे पौड़ी की तरह भाग जावे पता ही नहीं लगती है जी। आज पता मैं लोटी लोटी ऐसी सोच रही है आए, तो मैं सोच रही ये आज कैसे हवा की तरह और पौड़ी की तरह भाग जा, पता ना क्या बात है भाई, या कौम ही है सौ तो क्या कर कौम बेचारी है सौ भगा दौर चश्मे लगा कर मम्मी। बिग बॉस जिसमें मनवीर गुजर जीतते हो वहां में एक जो एलिस यादव है 36 बिरादरी में थे एक भाई हमारा, वो बिग बॉस में गया। अच्छा तो हम चाह रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उसे, भाई यादव है वो, तो भाई वो जीते तो आपको कुछ कहेगी तो दुआ देगी लौंडा जीते ना जीते। हाँ जीतना चाहिए बेचारा, मैं तेन कहूँगा 36 बिरादरी में। अच्छा और मतलब की जीते तो नाम होएगा, मैं बताऊँ जीतना चाहिए खराब होगी कतई पहले तो तोड़ दिए कौन में मम्मी के एक दिन दर्द हो रहा है, मम्मी रात को उठी है मम्मी मेरे दर्द हो रहा, तो काले जी फिर रात को मम्मी को दवाई लाए उनका आराम होगा ना उन ऑपरेशन थोड़ा सा भजन गाना तो दर्द हो जा मम्मी के, मम्मी कह रही मैं नजर उतार दू, मम्मी की नजर लग गई आज मैंने मम्मी की नजर उतारी है ना मम्मी
गोली ले ली, सिर के दर्द की गोली ले ली, देख लो मैं नजर उतारी मम्मी की और मम्मी ठीक हो, कैप्सूल भी ले लिया, सिर को पता कालीन की नजर लग जा, ये भी बढ़िया आजीवन में बताओ मैं नजर तो क्या है, रोटी खा रहे मतलब की मैं मतलब की थोड़ी थोड़ी काले के इंसान होते हैं, इंसान का नेचर छोड़ना चाहिए, काले भूरे को कोई ना होता मम्मी, इंसान का नेचर छोड़ना चाहिए, ऐसा नवा दुआ के तेल लगा के देखो भैंस भी सुंदर लगे आपका, तो थोड़ा रंग ही काड़ो क्या हुआ, आपकी स्माइल देखो, आप देखो नोक देखो लंबाई देखो गुण देखो है, आपने फूल से तीन तीन बालक करे फिर उनकी परवरिश करी, और भजन गावे इतने एक मम्मी और क्या चाहिए है, तारीफ करती है मेरी, भजन बड़ा अच्छा गाया, आज भी आप इतनी फिट फैट हो कि हम भी रहो अभी आपको पोते पोती बहू बेटा दी देते सब कुछ है, हम ऐसे लगे हम दो एक दो बच्चे के माँ बाप होते हैं, लगे बुढ़े हो गए ठीक है, तो टेंशन निकल जा मेरी, जब देखे तो मुझे तो गाइस हमारे पूजा का टाइम हो चुका है, आज है सोमवार, सरवर धो लिए, नहा धो लिए, पूजा के लिए हो रही है तैयारी, और मैंने बर्तन धो दिए मंदिर के, और आज है सोमवार तो आज हम मंदिर भी जाना देवता पे भी जाना घर में पूजा करके, तो इस घर में पूजा कर लेते हैं, कान्हा जी को नहला देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर, तो आपको आज दर्शन करवाएंगे मंदिर के, जय पापा की। तो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है, मेरे कान्हा जी नहा लिए, तेरे को कान्हा जी के दर्शन कर लो, सब मंदिर के देवी देवतान के दर्शन कर लो सब घर बैठे। तो गाइस कुछ लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल को दिखाती रहे पूजा, जो सुकून लड्डू गोपाल में पूजा करने में ना वो कहीं भी ना, एक बार पूजा करके देखिए आप पता लग जाएगी, मेरे गोपाल जी से मिल के देखना, कभी आप टाइम मिले आने को कभी हमारे घर आओ तो हमारे कान्हा जी से मिलना, जब देखना कि मैं क्यों कान्हा जी की पूजा करती रहूँ, क्यों दिखाती रहूँ तुम्हें, तो बाबा मोहन राव में हमारे जो सुकून है जो क्या कर सकती, आप लोग कहते रहो मैं ऐसे ही पूजा करती रहूँगी, आप सबको लड्डू गोपाल दिखाती रहूँगी, आपको खुशी मिले तो देखो ना मिले तो मत देखो, जय श्री राधे। तो गाइस पापा भी घर आके ड्यूटी से पूजा करके उठे, और पापा आते ही मम्मी तो लड़ने रहे, पता नहीं भजन कर पूजा कर, ये 7 बजे उठती है, 7 बजे मैं ड्यूटी से आ लेता हूँ ना पापा, मम्मी 5 बजे उठ जाओ, मैं ड्यूटी से मैं आ लेता हूँ तब पूजा करती है, नहीं मम्मी मम्मी 5 बजे उठ के घूमी आएगी और बाहर जब तक मैं जग रही हूँ अरे तो बहुत अच्छी औरत है भाई, 5 बजे मम्मी उठ जाओ है तो भाई, लक्ष्मी औरत है मेरी, फिर भी पापा लड़ते रहे मम्मी तो लक्ष्मी औरत करी है पापा, कितने मत लड़े तुम, अरे ये तो मेरा प्यार है बेटा, ये मेरा जिंदगी है, ये मेरी लक्ष्मी है, ये मेरी मेरी रानी है, ये काली है तो क्या पर है दिलवाली मेरी, और जो अरे शिकल तो दिखा दे, अरे तेरा आदमी तेरे से बोल रहा है, देखो इनकी ऐसी लड़ाई बाज है, लड़ाई कर रहे दोनों पापा मम्मी, और ये बाप बेटा सो रहे हैं, इन्हें सोने दे, हम चले जाएंगे मंदिर अब। तो गाइस मैं होगी मंदिर के लिए तैयार, और मम्मी भी नहा ली है, लड्डू के पापा भी उठ गए, लड्डू भी उठ गया, मम्मी नहा ली, तो मम्मी भी नहा दो होगी तैयार, मेरी मम्मी जल्दी आ जाओ, और मैंने अपना सामान भी तैयार कर लिया मंदिर का, और ये दोनों देखो गाइस उठ चुकी है, हैं तुम्हें जाएगा पापा के पास, ठीक है तो आप पापा के पास आए ना, हम जल्दी आ जाएंगे मंदिर से, फिर ठीक है मैं दुकान भी चला जाऊंगा तो इतनी देर भी ना आएंगे हम, अभी आने वाले हाँ। काले जी क्या लोगे आप, नाश्ता पानी दे के चली जाऊं, फिर टाइम लगेगा मंदिर पर, तो गाइस चलो अभी ये कह रहे तुम मंदिर से आ जाओ तब मुझे नाश्ता देना, उसके बाद चलो, और मेरे प्रेस में ये सूट फूक गया और मैंने फुकोए पहन लिया, तो गाइस हम मंदिर से आ गए घर, और अब मम्मी कर रही पूजा मंदिर से आकर,
अब मैं बर्थ खोल लूँ अपने लिए, कुछ बना लूँ, चाय पानी, चाय हाँ जूस बना लूँ, चाय को तो मेरे जी नहीं करता, चाय तो मैं पीती ना हूँ। चलो गाइस अपने लिए कुछ बना लेते हैं। तो गाइस चलो भाई, बहुत गर्मी हो रही है, मंदिर पे इतनी भीड़ हो रही, मैंने आज का कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया कि पूजा करा या ब्लॉग बनाया, तो पूजा ही कर लो या वहाँ ब्लॉग ही बना लो, इसलिए मैंने वहाँ ब्लॉग ना बनाया, कुछ भी पूजा पाठ में ही ध्यान दिया बस, इसलिए भीड़ भी हो रही बहुत, अच्छा भी ना लगा कि मैं आज कल कैमरा लेकर खड़ी रहूँ, इसलिए मैं वहाँ से पूजा करके और घर आ गई। अब आकर चाय पानी बनाएंगे अपनी और पियेंगे, और मेरे ही फिर भेड़ में दिख जावे तो मैं आज से ढक्का गई गाइस, तो मैं थोड़ा सा उधर रहा हूँ, मतलब फुक गया तो मैंने पहन लिया, ऐसी कोई बात ना मैं खाने में शर्म करती ना मैं पहनने में शर्म करती, जैसा मिल जाए वैसा खा ले वैसा पहन ले, तो इसलिए मैंने ढक रखा बस। तो गाइस मैंने अपना बर्थ खोल लिया है और साफ सफाई कर दी, काले जी पल्ले कमरे में सो गए जाकर, झाड़ू वाड़ू लग गया हमारा, और मैंने उठाई ये आके या कमरे में सो गए पापा के में, इन्हें नींद ही बहुत आती है, के करा झाड़ू लग गया आज, पोछा ना लगा, पोछा लगाऊंगी शाम को। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं, ये देखो मेरा सूट कैसा लग रहा, परी मैंने फूंक लिया, ऐसा लग रहा प्रेस में फूंको मेरा नया सूट, बिल्कुल।